फर्स्ट ऑफ ऑल कल का लेक्चर वॉज वेरी ब्रीफ मेरे बच्चे नजर नहीं आ रहे मैं कैसे बात करूँ आपका अच्छा कल का लेक्चर वॉज वेरी ब्रीफ लेक्चर जिसमें कि मैंने जस्ट एवी हल्की फुल्की सी बातचीत की थी और वो हल्की फुल्की सी बातचीत वॉज लाइक अबाउट के आ, बुक कीपिंग क्या होती है हमने कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं और फाइनेंशियल uh, इंफॉर्मेशन को हमने जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना होता है ब्रीफली मैंने ऐसी हल्की फुल्की गपशप वाली बातें की थी और उसके बाद मैंने रात में आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था कि जी फाइव मेन हेड्स ऑफ अकाउंट्स आप एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं उसे गो थ्रू कर लें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से जिस जिसको वो मिल गई और देख लिया हाथ खड़ा करते हैं ज़रा बच्चा वेरी फ्यू इसका मतलब सब बहुत अच्छे नेक तो लाइक बच्चे हाँ तो काका वो देख तो ली थी ना वो स्क्रॉल <coughs> जस्ट किया था छोटी सी थी कितनी थी कितने मिनट की थी दस मिनट की रास्ते में आते आते देख लेते मुझे काका मैं भी दस बजे सो जाता हूँ पर मैं उठ गया मुझे मैं भी सो जाता हूँ लेकिन मेरी आंख खुल गई हार्ट बढ़ा के उठ गया मैं मैं को मैं तो बच्चा भेजी नहीं आ लेती ये वाली लेकिन मुझे असल में लेट बताया मिस ने कि जी बच्चों का ये फीडबैक आया कि हमें नहीं मिल रही ये वीडियो जो आपने जिक्र किया था तो मैंने मिस को तो भेज दिए लिंक्स लेकिन मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि वो व्हाट्सएप में नहीं आए हुए थे रात को जब मेरी आँख खुली फिर मैंने व्हाट्सएप में आप लोगों को भेजा कि चलो सुबह सुबह उठोगे आते ही दफ़ा कोई दस एक मिनट की जो है वो तकरीर सुन लोगे तो सुन लेनी चाहिए थी यार फिर दस एक मिनट की हैं अच्छा जिस जिसने वो दस मिनट की वीडियो देखी है हाथ खड़ा करें ओके जी मेरी बेटी क्या समझ आई है उसमें क्या समझ आई है उसके अंदर फाइव मेन हेड और हल्का सा डेबिट एंड क्रेडिट का मैंने बताया था ठीक है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव उसको जरूर बेटे देखिएगा आप ठीक है आज उससे मुतलक भी कुछ बातें करूँगा लेकिन दैट वॉज समथिंग बेसिक और राइट आई कीप ऑन सेंडिंग जो सच वीडियो लिंक्स जो कि वुड बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू राधर यू मे लाइक विजिट आर चैनल उसमें आपको ये तरतीब में पूरी प्ले लिस्ट भी मिलेगी और इम्पोर्टेंस uh, आपने क्लास रूम लेक्चर्स को देनी है सपोर्ट आपने वहाँ से लेनी है ठीक है बसम टुडे वी विल बी डिस्कसिंग बेसिक अकाउंटिंग इक्वेजन वेल वन थिंग दैट आई शेयर विद यू इन माई लास्ट लेक्चर एज वेल एज आई बी टॉकिंग ऑन टूडे के मैं जो ये बेसिक्स करवा रहा हूँ ये मेरे उन लाडले बच्चों के लिए हैं जिन्होंने बचपन से आज तक अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई फर्स्ट टाइम वो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और मेरे वो लाडले बच्चे जिन्होंने अकाउंटिंग किसी ना किसी शक्ल में या किसी क्लास में या किसी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए पढ़ रखी है उनके लिए क्विक रिविजन है माइट बी इट वुड बी बोरिंग फॉर दो स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन दिस पेपर और हैव स्टडीड लेकिन एक बात याद रखिएगा अट्ठाईस प्लस चार थर्टी टू प्लस चार कितने बन जाते हैं थर्टी सिक्स ईयर्स से मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ थर्टी सिक्स ईयरस से आप लोग माशाल्लाह, आप से कई बच्चे सिर्फ अठारह साल के होंगे ठीक है टाइम्स टू थर्टी सिक्स ठीक है आपसे डबल एज से मैं सिर्फ़ अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ आज भी मैं ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेजन का चैप्टर जब पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ठीक है तो ये सिर्फ अपने दिल की बात होती है और बता रहे हैं तो मैंने उस पहला ही पता है और अगर आप उसमें इन्वॉल्व हों तो आपको मज़ा आएगा इट्स जस्ट लाइक कब से नमाज पढ़ रहे हैं एक सुबहानकल हमा वमदे का वतबार कस्म का वताला जद्दू का वला गाय रु कितनी मरतबा पढ़ते हैं हर नमाज में स्टार्ट में आप पढ़ते हैं बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं बचपन से वो आप पढ़ते हैं लेकिन जब तवज्जो से पढ़ते हैं तब उसका कमाल ही मदद है सुबह नुम वमदे का ठीक है पाक है वजात उसी के लिए तमाम तरीफ़ अब इतने से लफज पे ही आपको एकदम से होता है यार जितनी मरतबा भी कहूँ उतना मज़ा आ रहा है ठीक है तो हमेशा चीज़ में दिलचस्पी आपने कायम करना होती है वरना दिलचस्पी नहीं है जो मर्जी पड़ी जाओ मंत्र पढ़ रहे हैं ना फिर तो हम तो बेटे अपनी दिलचस्पी को कायम रखने के लिए आपको यहाँ पर फोकस करना होता है तब ये चीज़ आपकी जो है वर्क करती है एंड दिस इज़ समथिंग हार्ड एंड सोल रिक्वायर्ड होता है आपके किसी भी सक्सेस के पीछे हैविंग सेड इट मैं चाहूँगा मेरे जिन बच्चों ने ऑलरेडी पेपर भी पास कर रखा है इंट्रो का ठीक है वो भी ज़रा बहुत तवज्जो से मेरी इस बातचीत को सुन लें हमने कल डिस्कशन की थी कि जी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज़ हैं उसमें ट्रांजैक्शन वो सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो डीलिंग होती है डीलिंग किसकी होती है डीलिंग आओ मेरे बेटे मैंने कल आपको बताया था एक एंटिटी डील करती है विद ऑनर एंड विद अदर्स एनटीटी कौन है कारोबार भी हो सकता है और कोई वेलफेयर एंटीटी भी हो सकती है लाइक ईधी वेलफेयर सोसाइटी लाइक डबल वन डबल टू दे आर नॉट डूइंग बिजनेस लाइक चैरिटी हॉस्पिटल दे आर नॉट डूइंग बिजनेस ठीक है दैट इज ऑल्सो एन एनटिटी वो ट्रांजेक्शन ऑनर या मैनेजमेंट ग्रुप अब अगर वो बिजनेस एंटिटी नहीं आया तो उसका तो ऑनर कोई नहीं होता वो मैनेजमेंट ग्रुप होता है गवर्निंग बॉडी होती है जो कि उसको फंड देता है बिज़नेस उसके एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए अदर्स में हमारे पास लैंडर्स आ जाते हैं लैंडर्स मीन्स जिनसे हम कर्ज़ा लेते हैं अदर्स में हमारे पास सप्लायर्स आ जाते हैं जिनसे हम जी बेटी आप आप ज़रा उसे गार्ड को कह दो आपके लिए चेयर भी दे दे सप्लायर्स आ जाते हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं माल खरीदते हैं ठीक है अदर्स में एम्प्लॉइज आ जाते हैं जिनसे हम सर्विसेज लेते हैं ठीक है अदर्स में हमारे पास कस्टमर्स आ जाते हैं जिनको हम अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं या अपनी सर्विसेज बेचते हैं अदर्स में गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ठीक है एम्प्लॉय बेनिफिट ई जो एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट डिपार्टमेंट सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं ठीक है जी तो ये तमाम जो हैं आपके अदर्स हैं जिनके साथ कौन डील कर रहा है एंटिटी डील कर रही है कल मैंने एक बात की थी कि आप कौन हैं आप एंटिटी में बैठे हुए अकाउंटेंट हैं बेटे ये सबक इतना पक्का याद करना है आपने कि आप जब प्रैक्टिकली इंशाल्लाह ताला जब आर्टिकल्स कर रहे होंगे और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जब प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहे होंगे तो उस वक्त भी इस सबक को जिन में स्ट्राइक होना चाहिए हु वी आर वी आर वेयरिंग द कैप ऑफ एन अकाउंटेंट सिटिंग इन द एंटिटी एंड दिस एंटिटी इज डीलिंग द ऑनर एंड ऑल अदर्स, ठीक है शुड बी हंड्रेड परसेंट क्लियर कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो समझ आ जाए तो आगे कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है ठीक है यह समझना बहुत जरूरी आगे बढ़ते हैं अब ये एंटिटी इन सब के साथ डीलिंग कर रही है दोबारा बोलूंगा आपको यह सबक याद करवाने के लिए कि डील कौन कर रहा है एंटिटी कर रही है ना तो आप कर रहे हैं ना ओनर कर रहा है बल्कि एंटिटी डील कर रही है ओनर के साथ और बाकी अदर्स के साथ याद हो गया हमें अब वो डीलिंग हमारी ट्रांजैक्शन कहलाती है उसके बाद कुछ और हमारे जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसको कि हम मनी वैल्यू में मैयर कर सकते हैं उस डीलिंग में कुछ इवेंट्स भी आ जाते हैं जो कि बिज़नेस एंटिटी उस एंटिटी के मुतल का इवेंट होते हैं फॉर एग्जांपल, आपने कराची से माल मंगवाया लाहौर रस्ते में उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और माल ज़ाया हो गया अब एक्सीडेंट का होना माल का ज़ाया होना इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन You did not deal with that truck, you did not deal with that. That is an incident that happened. That is an accident because of which you are now sustaining a loss. And that loss is measurable in terms of money, it becomes a financial information for your entity in which you are an accountant. तो उसको भी आपने फिर अकाउंट फॉर तो करना है तो लिहाजा वो भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स और है जिसको हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड मेरे अल्फाज गौर से सुनिएगा खास तौर पे मेरे वो आठ दस बच्चे जो बिल्कुल फ्रेश हैं बेटे ऑलरेडी रिकॉर्डिड इंफॉर्मेशन में बात का कुछ एडजस्टमेंट्स करना होती हैं अक्सर डेप्रिसिएशन का आप लफा सुनेंगे आज मेरी कोशिश होगी कि डेप्रिसिएशन पर थोड़ी सी गुफ्तगू मैं जरूर करूं बेशक पांच सात मिनट की गुफ्तू करूं ये एक एडजस्टमेंट हैं इसको हम कंडीशन अब डेप्रिसिएशन इज नॉट अ ट्रांजेक्शन यू आर नॉट डीलिंग विद समन फॉर दिस डेप्रिसिएशन इट्स एन एडजस्टमेंट इन यूर एर जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है वो इस बात को एंजॉय करें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इट्स नॉट अ ट्रांजेक्शन क्या होती है आपको शक हो जाता है ओए ओ, मेरे जो कस्टमर है उन्होंने पैसे नहीं देने मुझे उस शक की बुनियाद पर आप एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करते हैं दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन इट इज नॉट एन इंसिडेंट इट इज समथिंग यू आर मेकिंग एन एडजस्टमेंट इन योर ऑलरेडी रिकॉर्डेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग अ प्रोविजन जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो एंजॉय करें जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इतनी सी बात जेन में रखें कि ऑलरेडी हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी जिसके डूब जाने का अंदेशा नजर आ रहा है और उसके पैसों के डूब जाने का चूंकि अंदेशा नजर आ रहा है हमें कुछ ना कुछ उसके लिए अकाउंटिंग में करना चाहिए तो वो जो कुछ ना कुछ अकाउंटिंग में हम कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट है जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कंडीशन कहते हैं फॉलोड यह जो मैंने तीन लफज लिखे हैं ना ट्रांजेक्शन इवेंट्स एंड कंडीशन ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको मिलेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर वन में जो कि आई एफ आर एस हैं हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये जरा थोड़ी सी इसकी तस्बी कर लो फूक मारना बड़ी बरकत होएगी इसकी आय आर एस आय आर एस सारी जिंदगी के लिए जुड़ गया तुम्हारी सांसों का हिस्सा बन गया आय एफ ठीक है जितनी मरतबा आई एफ पढ़ोगे उतनी मरतबा जन्नत में एक दरख्त घना लग जाएगा ठीक है तो दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड दिस इज दिस आर द स्टैंडर्ड्स विच इनफैक्ट रेगुलेट आर अकाउंटिंग रेगुलेशन होती है ना जैसे अब्बा जान रेगुलेट करते पूरी फैमिली को ओके थे क्या सा अब वो बटाख, चल मैं दिस इज रेगुलेशन ओके तो इसी तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रेगुलेट करता है अकाउंटेंट की वर्किंग को कि कैसी अकाउंटिंग ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो कोई बुक ऑफ प्रिंसिपल्स है ना दैट इज़ आई एफ आर एस तो उसने हमें बुनियादी तौर पे कहा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तीन जगहों से पॉप अप होती हैं ट्रांजैक्शन इवेंट्स एंड कंडीशन आई हैव टोल्ड यू इट्स डिटेल्स प्लीज जैन में रखिएगा आई विल शेयर ऑल दीज अकाउंटिंग नोट्स विद यू पीपल आपके व्हाट्सएप के अंदर आ जाएगा बेटे ये बड़ा स्मार्टली उसको आपने आ, नोट्स की शक्ल में अपने पास रखना है, पढ़ना है। बरकत के लिए नहीं पास होने के लिए ताड़ी मेहरबानी यार वाक़ता इसको पढ़ लोगे आप लोग पक्के पास हो अमंग द अबव थ्री सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्पेशल एम्फिस मैं इस वक्त आज की इस गुफ्तु में ट्रांजेक्शन पे करूँगा क्योंकि अभी वो इवेंट्स और कंडीशन जो होंगी बाई द टाइम हमारी जैसे जैसे स्टडीज़ आगे चलेंगी हमें वो इवेंट्स एंड कंडीशंस की अकाउंटिंग की समझ आना शुरू हो जाएगी फ़िलहाल मेरा एम्फेसिस किस पे है फ़ोकस किस पे है ट्रांजेक्शन पे। तो बेटे जान वो ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं एक होती है कैश ट्रांज़ेक्शन और एक होती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन सुबह नाश्ता लेने जाते हो बेकरी पे मोहल्ले के अंकल जो बेकरी करते हैं बेकरी नहीं चल यार तंदूर पे नान लेने जाते हो गए ठीक है नहीं तो वो अंकल दूध दही वाले जो हैं उनसे दूध नहीं लेने जाते हो आप लेने जाते हैं उन्हें कहा अंकल पैसे जमें नहीं है मैं कल दूंगा आपको ए तो वो कल तक के लिए आपने क्या किया उधार कर लिया ट्रांजेक्शन तो हो गई ना यू एंटेड इंटूअ ट्रांजेक्शन और उधार गियाँ मैं कल दूंगा पैसे मैं अंकल चल यार तो मेरा पुत्र काका चल जा बच्चा इन्ना जिन्ना तू तो होना सा जो तक मैं तेनों वेख रहा चल यार ले जा दो किलो दही कल दे दही तेरी मेहरबानी और आपको प्यार पोछा करके उसने क्या किया साथ ही नीचे से रजिस्टर निकाला मेरा लाडला काका दो किलो दही लेकर गया आपका नाम लिख लिया उधर ठीक है नाम क्यों लिखा है क्योंकि दिन में हो सकता है कितने लाडले काके दो किलो दही लेकर जा रहे हो तो भूल जाएगा ना तो वो कोई डेढ़ किलो दही लेके जा रहा है कोई एक किलो दही लेके जा रहा है कोई दो किलो दही लेके जा रहा है कोई कट्ठा पाँच किलो कुंडे उठा के ले गया दे दूंगा ठीक है तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है और वो दही वाले अंकल जो हैं वो उस एंटिटी के अकाउंटेंट के रोल में ठीक है वो इस वक्त उन्होंने कैप क्या पहनी है अकाउंटेंट ऑफ द एंटिटी उन्होंने उस ट्रांजैक्शन को नोट कर लिया मेरा लाडला काका का, दो किलो दही सौ रुपया पर केजी जी दो सौ रुपया रिसीवेबल फ्रॉम माई लाडला काका का. ठीक है तो ये क्या है उधार की ट्रांजैक्शन और एक होती नकद ट्रांजैक्शन ठीक है अब नकद ट्रांजैक्शन करने वाला भी एक काका आया उसने कहा अंकल ये एक सौ रुपया ले मुझे एक किलो दही दे दे कॉन्फिडेंस देखो उसका कैसा बड़े प्यार से एहतराम से अंकल ये एक सौ रुपया मुझे एक सौ रुपये का एक किलो दही दे, दे दे उसने एक सौ एक सौ रुपये का एक किलो दे भी दिया नाल थोड़ी जी मलाई पा दी थी करके नकद को कुछ थोड़ा सा तो बोनस मिलना चाहिए ना आर गेटिंग वा एम से तो ट्रांजेक्शन दो तरह की होती हैं कैश ट्रांजेक्शन और दूसरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन अब आप कैश ट्रांजेक्शन सोच रहे हैं कौन बन के अकाउंटेंट सिटिंग इन द एंटिटी बन के ठीक है अपने बेटे एक छोटा सा बेटे हाँ चेयर तो आप ले क्या आना बच्चा मेरी बेटी थोड़ी सी इधर हो जाओ वो उन्हें चेयर लेके जानी है आगे आ बल्कि आप बेटे चेयर इधर रखो ये वाली चेयर पीछे ले जाओ मेरे काकी थोड़ी सी उठ के इधर हो जाए शाबाश आप बेटे ये चेयर इधर रखो वो वाली चेयर पीछे ले जाओ थैंक यू मेरा पुत्र ले बेटे आप आप बेशक चेयर लेकर इधर ही आ जाओ ठीक है आपको दोबारा नहीं उठना पड़ेगा एक्सीलेंट थैंक यू वेरी मच अच्छा जी अब वो कैश ट्रांजेक्शन क्या है जिसमें आपने कैश रिसीव किया कस्टमर से या कैश पे किया सप्लायर्स अब वही जो दूध वाले अंकल हैं वो दूध खरीदते हैं ना गवाले से ठीक है और चौधरी सौ किलो दूध दे जाए यार आज ठीक आपका टोन क्या थी मेरा लॉर्ड लॉ लौ काका उसके साथ और चौधरी ठीक चौधरी ने कहा जी जनाब वह सत्तर रुपये किलो के हिसाब न मैं देंगे दूध तो थो जनाब ठीक है वो सात हज़ार रुपया उसने फौरन दे दिया उसको सप्लायर ऑफ द मिल्क को एंड दैट बिकम्स कैश ट्रांजेक्शन वो सप्लायर है वाट द ट्रांजेक्शन स्टाफ सैलरी वो जो मलक अंकल हैं दूध दही वाले उन्होंने दो तीन छोटे भी रखे हैं वो कोई लस्सी रख है, हैं कोई एक जनाब दूध डाल के दे रहा है कोई दही को लपेटा करके दे रहा है जनाब दही डाल के उसके बाद उसको धागा लपेट के दे रहा है तो ये दो तीन कोई एक को बर्फ़ी के ऊपर बिठाया हुआ कोई खोया मार रहा है जनाव व्यंजन करके ठीक है तो उन सब की सैलरी होगी कि नहीं होगी होगी ना और वो मलक अंकल जो हैं उनका बैंक भी है भाई ठीक है और वो उन सबको सैलरी थ्रू चेक देते हैं काका -का, ये अला का चेक फाड़ ला बैंक से जाके पैसे ले, ले लेना कैश ट्रांजैक्शन मींस जरूरी नहीं कि हार्ड कैश गिन के दो तीन चार पांच ये नहीं चेक लिखा साइन किया मैलिक और ये जनाब चेक दे दिया ओके द पॉइंट जनाब ये भी कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि वो जिसको चेक मिला है वो फौरन जनाब टक 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 करता जाएगा और बैंक से जाके पैसे ले लेगा ठीक है सैलरी मिली है टक टक तो करना बनता है सर्विस फी रिसीव्ड। एक मोहल्ले की अम्मा आ गईं उसके अंक, मलिक अंकल के पास कहती पुत्र मैं आजकल दही जमानी है दही नहीं जमदा सही तो कहता है, अम्मा जान मैं आपको जरूर सर्विस दूंगा। बट आई सम फी मलिक अंकल एक मतलब टेक्निकल दूध वाले हैं उन्होंने कहा ठीक है पुत्र आजा जा मैंने का जरा दस मेरा दही क्यों नहीं जमदा बचपन तो मैं दही जमा रही हूँ नहीं तो अम्मा जी जो थी वो क्या करती थी वो फ्रीजर में से जाग निकालती थी आप कहेंगे सर अब आपको कैसे पता इन सारी चीजों का ठीक है फ्रीजर में से जाग निकालती थी <laughs> वो फ्रीजर में से जाग निकालती थी और गर्म दूध के अंदर डाल देती थी दूध दिन नहीं था जमता वो एक बार ऐसा होया सी ना मेरे नाल ठीक है <laughs> तो फिर पता चला नहीं ऐसे जाग नहीं जमती ठीक है जाग के लिए पूरा एक वो मलिक अंकल ने अम्मा जान को जो है वो सर्विसेज दी और जाती दफा कहते हैं जी दिस इज माई इनवाइस प्लीज पे मी वन थाउजेंड रुपीज आई है <laughs> अब देना पड़ा अम्मा ने वो हजार रुपया दे दिया ठीक है और फौरी तौर पे वो एक हजार रुपया मलिक साहब की जो है वो इनकम <laughs> बन गई सर्विस फी रिसीव इन कैश उन्होंने जान ने एक कैश दे दिया हजार रुपये का नोट गॉट द पॉइंट वेल well, मेरे बच्चों जो भी पेमेंट्स भले कैश में हो भले चेक के जरिए से हों भले अब मैं दो तीन बड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं ठीक है स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट डायरेक्ट डेबिट पेमेंट डेबिट कार्ड के जरिए से पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के जरिए से पेमेंट वट एवर यू आर यूजिंग द सोर्स ऑफ मेकिंग पेमेंट इज अ कैश ट्रांजेक्शन ठीक है बिकॉज यू हैव सेटल्ड द ट्रांजेक्शन बाय मेकिंग पेमेंट

का स्वाब नहीं होना भी आपको अगर इसको याद करने बैठोगे सिर्फ जो बात जहन में रखनी है हम ताला पढ़ेंगे बैंक पर हम देखेंगे इन को और बड़े अच्छे से समझ लेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ दो आपने जहन में रखनी है कैश एंड चेक और राइट कैश या चेक में अगर आपको मलिक अंकल को पैसे मिल रहे हैं तो वो क्या है जी कलेक्शन हुई है कैश ट्रांजेक्शन है रिसीव हुआ कैश भले बैंक में आए भले जेब में आए पेमेंट हुई है कैश या चेक के जरिए से पेमेंट हो रही है कैश ट्रांजेक्शन है ठीक है भले बैंक से पैसे निकल के जा रहे हैं भले जेब से पैसे निकल के जा रहे हैं यहाँ तक मेरे बच्चों कोई सवाल पूछना है तो प्लीज फील फ्री टू तो पुट क्वेश्चन ऑन मी ऑनलाइन वाले बच्चे भी और जो इधर बैठे हुए बच्चे भी एनी क्वेश्चन अराइजिंग इन योर माइंड प्लीज़ पूछिएगा ठीक है ख़ास तौर पर मेरे वो नए लाडले बच्चे जो अभी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ मुश्किल तो नहीं लग रही बैठे अकाउंटिंग ठीक है ज़रा दो दोबारा हाथ खड़ा कर दो तो जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं शाबाश एक दो तीन चार पाँच माशाल्लाह माशाल्लाह बेटे ठीक है इजी हो ना रिलैक्स हो एक्सीलेंट एक्सीलेंट माशाल्लाह माशाल्लाह क्रेडिट ट्रांजैक्शन की भी थोड़ी सी पहचान ले लें वैसे तो इस वक्त आपके जेहन में क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ की हुई है कि आपने माल खरीदा मलिक साहब ने कहा चौधरी आज 500 किलो दूध दे दी चौधरी ने कहा मलिक साहब पैसे तो सीधे पिछले भी रहने देने ओ यार मैं मर चला है, मैं दे देगा तेन की हो या ठीक है तो ये क्या क्रेडिट पे परचेज किया उसने सप्लाईज ठीक है मलिक अंकल बड़े अच्छे हैं उन्होंने साथ ही मैं उर्दू में लफज बोलता हूँ खाता निकाला हमने सुना होने लफज खाता साथ ही खाता निकाला और उसमें लिख दिया चौधरी किलो पांच सौ किलो दूध लेता सत्तर दे के साथ ठीक है जी तो उसने वो पैसे लिख लिए पॉइंट yes. तो ये साथ ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई अब सेल्स की ट्रांजेक्शन अब वो जो मलिक ने जो सेल किया था मिल्क उधार पर इन्वाइस इशू की थी अब यहां पे मैं थोड़ा सा टेक्निकल होने लगा हूं माइंड ना कीजिएगा की, की दूध उधार पर इनवाइस रिसीव की दो चीजें मैं जरा पहले बता दूं बड़ा रिलैक्स्ड में, में सुनिएगा कोई टेंस होके नहीं सुनना इनवाइस एक डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो उधार की ट्रांजैक्शन को एविडेंट करता है सबूत होता है कि उधार की ट्रांजैक्शन हो गई इसको अगर आपने आसान लैंग्वेज बोलनी है तो बिल बोल दो ठीक है हमारे घरों में हाँ दूध की एग्जांपल ही देता हूँ दूध वाला पूरा महीना देता है ना दूध देता है सपोजली दो किलो दूध आ रहा है ठीक है एक सौ रुपये के हिसाब से दो सौ रुपये डेली ठीक है और आपका 30 दिनों का जो है छः हज़ार रुपया बन गया ठीक है अब वो छः हज़ार रुपया अम्मी फ़ौरन थोड़ी दे देती हैं तीस या इकतीस तारीख को जब वो दूध कभी लाता है कहती हैं भाई कोई चार पाँच दिन तिकाई तेरे भाई ने हले तेके पैसे नहीं दिते मैनू ठीक है ठीक है और तेरे भाई ने तो पैसे देने तो फिर ही मैं दिन देंगी ना उन्हें नहीं बाजी जी कई गल नहीं खैर रे मैं आके हफ्ते बाद देगा पैसे फिर क्या होया ठीक है तो ये क्या है वो बिल जो एक हफ्ता आपकी मामा को दूध वाले ने दिया हुआ है दैट इज एन इन्वाइस इनवाइस हमें सीख समझ आ गई अब वो इन्वाइस वो दूध वाले ने जो सेल की हुई है उसके लिए सेल्स इनवाइस है ठीक है तो बड़ा सादा डॉक्यूमेंट है ना इनवाइस अब वो दूध वाला जिससे दूध खरीदता है उसको भी फ़ौरन पेमेंट नहीं करता वो कहता है जी मैं महीने के बाद लोगों से पैसे लेता हूँ तू भी मेरा हिसाब लिखता रह तो महीने के बाद जब कलेक्शन होगी तो मैं तुझे पैसे दे दूँगा एक साइकिल चलाया हुआ है ना इसको कैश साइकिल कहते हैं जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कैश साइकिल क्या होता है ठीक है तो कैश साइकिल जो है वो क्या है इधर से पैसे मिलेंगे तो उधर आप देंगे तो वो जो इन्वाइस एक महीने के बाद गवाला देगा मलिक साहब को कि जी ये जनाब पूरे महीने का बिल हो गया वो उसकी तरफ से बिल होगा मलिक के लिए हम अकाउंटेंट हैं मलिक मिल्क शॉप के ठीक है तो मलिक मिल्क शॉप के अकाउंटेंट होने के नाते जो सेल्स की हुई हैं, ठीक है वो सेल्स जो हैं, उसके अगेंस्ट हमने इनवाइस इश्यू की हुई है जो परचेज किया हुआ है मिल्क उसके अगेंस्ट हमें इनवाइस मिली हुई है तो जो इनवाइस मिलती है वो परचेज इनवाइस और जो इनवाइस दी जाती है वो सेल्स कहलाती है इससे ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं है बिल्कुल सिंपल है कोई रटालाइजेशन नहीं कोई कुछ नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्चुलाइज करना है आपने वियर करनी है कौन सी कैप अकाउंटेंट ऑफ मलिक की और द पॉइंट पक्का गुड हो गया अब मैं एक और टर्मिनोलॉजी अपने बच्चों को समझाने जा रहा हूं तवज्जो से सुनना यह ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो अमूमन पेपर पास करने के बाद भी बच्चे जो होते हैं इस पर क्लियर नहीं होते दैट इज क्रेडिट नोट पहली बात तो ये जेन में रखो कि इनवाइस अगर दिन है तो यह रात है इन्वाइस अगर रोशनी है तो ये है। अंधेरा है ठीक है समझ गए यानी के ऑपोजिट है इनवाइस अगर मैंने सेल किया मिल्क मैंने इनवाइस इशू किया, उस इनवाइस में अमाउंट लिखनी थी छः हज़ार रुपये गलती से इनवाइस में अमाउंट लिखी गई छः हज़ार छः सौ रुपया हो सकता है ना मैंने 6000 हज़ार इस तरह से लिखना था मैं गलती से इस तरह लिख बैठा छः हज़ार छः सौ हो गया ना अब ये इन पर लिखी जा चुकी है अमाउंट ये पीस ऑफ पेपर पे लिख मैं इसको कीची मीची नहीं कर सकता ठीक है इनवाइस नहीं काट सकता मैं इनवाइस पर वो छः हजार छः सौ ही लिखा रहेगा मैं उसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा उसका नाम होगा क्रेडिट नोट कितने का बनेगा क्रेडिट नोट क्या बात है यार शहजादे हो आप लोग माशाल्लाह? क्योंकि हमें इस 6,600 की रोशनी में 600 का अंधेरा भरना है ना ताकि 6,000 की रोशनी तो कायम रहे फॉलो कर गए हो? इतने इतना सा कॉन्सेप्ट बस इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्रेडिट नोट का अब अगर इनवाइस इशू की हुई थी तो पीछे पीछे क्रेडिट नोट इशू कर दो और अगर इनवाइस रिसीव की हुई थी तो उसे को तेरी मेहरबानी क्रेडिट नोट दे दे यार देस अगर आपने चौधरी से 6600 की रिसीव की हुई थी पता चलता उसमें 600 गलत लिखा हुआ चौधरी ने तो आप क्या हो मैंने क्रेडिट नोट दे दे मेरे दिल में होल उठ रहे हैं कि मैं पता नहीं था छह हजार छह सौ मेरी बात फॉलो कर रहे हो ना क्योंकि इनवाइस पे 6600 लिखा हुआ है ना तो वो क्या करेगा वो 600 की इनवाइस उससे क्रेडिट नोट उससे तो ले, कर मेरे दे दे यार ठीक वो 600 सौ क्या शुक्र है यार अब मैंने तेरे कितने देने हैं कैसे पता छो माइनस छ सौ करके तो क्रेडिट नोट हमेशा द अमाउंट एविडेंस्ड बाय इनवाइस कॉन्सेप्ट इज क्लियर पक्का क्लियर इतनी सी बात है तो वो कब होगी गुड्स रिटर्न की सूरत में नॉर्मली होती है नॉर्मली इसके अलावा भी हो सकती गलती भी हो सकती है लेकिन नॉर्मली इन वॉइस का डॉक्यूमेंट देखो ना आपने चलो एग्जांपल एक और बड़ी मजे की आगे पूरा महीना दो किलो दूध आया दरमियान में एक दिन जो था वो दो किलो दूध खराब हो गया आपकी अम्मी ने उसे फोन किया जैसे ही फोन किया भाजी भाजी मैंने पता है क्यों फोन किया है ओ, सारे का दूध खराब हो गया खैर मैं तो थो क्रेडिट नोट भेज देंगा कट yes, द पॉइंट वो चार सौ रुपये का या दो सौ रुपये का क्या होगा क्रेडिट नोट आ जाएगा अगर छः हज़ार का इनवाइस इशू हुई है तो वो साथ पीछे पीछे क्रेडिट नोट विल रिड्यूस द अमाउंट रिटर्न ऑन द इनवाइस गट द पॉइंट या इसको किसी और एग्जाम्पल में ले जाओ आपने माल खरीदा माल ठीक नहीं था टू द मार्क नहीं था आपने वापस कर दिया तो क्रेडिट नोट विल रिड्यूस द अमाउंट रिटर्न इन द इनवाइस ना पक्का बेटा सही समझ आ रही है yes. अच्छा दिल पे हाथ रख के मुझे सच सच बोलना है कि कौन कौन बोर हो रहा है आ, मैंने तेरे पैर रखंदा अंदाज बता रहा था तो ये देख के मैंने कहा कि तू बोर हो रही है आपकी वजह से मैंने ये सवाल किया है आप ही बेटे बोर हो रहे हो कोई बात नहीं बाजूकात बात अच्छा नो क्रॉस कमेंट बेटे नो क्रॉस कमेंट प्लीज नो क्रॉस कमेंट नो क्रॉस कमेंट देखो मेरे बेटे आपका बोर होना किसी दूसरे के लिए जो है ना वो एक नॉलेज का बायस बन रहा है ठीक है तो प्लीज बोर ना हो अगर ये चीजें पहले से आपको मालूम है तो उसको रिवाइज समझो कि हो रही हैं ठीक है बेटे ओके प्लीज ठीक है मेरा काका है। तो जो और आई रियली लाइक डेट कि आपने सच बोला आई अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स हु आर ऑलवेज ट्रूथफुल रियली आई अप्रिशिएट यू सच बोलो नहीं समझ आ रही बता दो समझ आ रही है बता दो कोई कोई इशू है प्लीज रेज योर हैंड एंड से कि सर नहीं आई एम नॉट गेटिंग इट क्लियर प्लीज मेक इट मोर क्लियर टू मी आई विल मेक इट क्लियर एंड ईजी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ठीक है इन वेल well, अब जी हमने अगला एक टॉपिक लेना है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अब एक और टर्मिनोलॉजी आ रही है देखो मैं आपको साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज भी जो है वो बता रहा हूँ क्योंकि ये वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी बात को आगे लेकर चलने में अच्छा कुछ बच्चे जो बुनियादी तौर पर आ, अभी से नई नई अकाउंटिंग रहे हैं, वो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को डेबिट एंड क्रेडिट के साथ कंफ्यूज कर रहे होंगे आगाज में डेटर एंड क्रेडिटर एक अलग टर्मिनोलॉजी है डेबिट एंड क्रेडिट एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है ठीक है डेबिट एंड क्रेडिट की टर्मिनोलॉजी पे अभी इस वक्त बात नहीं करने जा रहा मैं डेटर एंड क्रेडिटर पे बात करने जा रहा हूं इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट को अभी फिलहाल साइड पे कहीं फेंक दो डेटर एंड क्रेडिटर आर द टू परसन अब एक इंतहाई मतलब इसके लफ्ज़ के लिटरल मीनिंग अभी तक हो सकता है आपने ना पढ़े हो कहीं पर क्योंकि इंतहाई अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है ये ठीक है मोटरसाइकिल खरीदी थी तो पता चला था कि कार्बोरेटर भी कोई लफज है ऐसे ही है ना उससे पहले कार्बोरेटर का नहीं पता था क्या क्योंकि मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी है ना उससे पहले मैकेनिकल एक्सपोयर नहीं था ठीक है अम्मी से पढ़ा था तो पता चला था कि चिमटा भी कोई चीज़ होती है ठीक <laughs> है <आहा>। तो डेटर <laughs> एंड क्रेडिटर प्योरली अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है कौन होते हैं बहुत सादगी में समझ लो कि जिन लोगों से पैसे लेने होते हैं माल बेचने के अगेंस्ट मैंने लफज ट्रेड साथ लिखा है सिर्फ रिसीवेबल नहीं है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हो सकता है पहले आप लोगों को ना क्लियर हो डेटर वो है ट्रेडिंग ट्रेडिंग कहते ना माल का खरीदना बेचना कारोबार करना कारोबार करने के अगेंस्ट अगर कोई रिसीवल बने तो उसको डेटर कहेंगे अगर वैसे किसी से पैसे लेने उसको डेटर नहीं कहेंगे उसको सिंपल रिसीवेबल कह लें लोन रिसीवेबल कह लें ले, या अकाउंट्स रिसीवेबल कह लें या नोट्स रिसीवेबल कह लें लेकिन जो ट्रेडिंग के अगेंस्ट रिसीवेबल है वो आपका डेटर है बी इज साइलेंट मेरे बेटे ये इंग्लिश में टी से पहले अगर बी आता हो तो बी इज़ साइलेंट सून आफ्टर अगर बी इज साइलेंट इसको डेब्टर नहीं कहना आपकी बड़ी मेहरबानी डायरेक्टली मेरे दिल पे लगती है बात जब कोई बच्चा डेब्टर बोलता है ठीक है प्लीज थोड़ी बड़ी मेहरबानी यार क्रेडिटर्स ये आपके ट्रेड पेबल है आपने माल खरीदा उसके अगेंस्ट आपने जिसके पैसे देने हैं वो क्रेडिटर है तो ये बेटे इन दोनों के पीछे पर्सनस मौजूद हैं ये सारी डिटेल इधर लिखी हुई है मेरे बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इतना जेहन में रखें कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर टू परसन debtor is the person from whom entity will receive money in future based on a credit transaction of sales obviously and creditor is a person to whom the entity will pay in future against the purchase of goods on credit terms credit terms ka matlab hai on account udhar बेटे यहाँ तक कोई बात किसी बच्चे ने पूछनी है तो मुझसे पूछ ले ये बात हो गई अब ये छुट्टी सी एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ कि डेटर की एग्जांपल्स क्या हैं जी मेरे बेटे सर, देटर, देटर। डेटर दोबारा बोल दो ओके बेटे वो जो हम हम एग्जांपल ले रहे हैं ना इसकी ए, मिल्क शॉप की एग्जांपल ले रहे हैं मिल्क शॉप पे कोई गाहक उधार पे जब माल खरीदने के लिए आता है तो उसको डेटर कहते हैं तो आप कह लीजिए कि डेटर कौन है गाहक कस्टमर ठीक है गाहक को डेटर कहते हैं अगर उसने पैसे ना दिए हो अगर पैसे दिए हो तो वो कैश कस्टमर है सिंपल कस्टमर है तो ऐसा कस्टमर जिससे अभी पैसे वाजुबल वसूल हैं ही इज योर डेटर सिंपल इज दिस कोई बात मजीद पूछ बेटे ओके क्रेडिटर कौन है क्रेडिटर जो सप्लायर होता है ठीक है क्या कहते हैं सप्लायर को उर्दू में जिससे माल खरीदा होता है पानी जो भी है खैर चौधरी गुड ये चौधरी है ठीक है जिससे माल खरीद रहे हैं ठीक है ओके okay. <laughs> गुड राइट डेट अच्छा बेटे तो यहां पर गुड सोल टू मिया ऑन क्रेडिट ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना तो मिया कौन है इसमें डेटर गाहक ओके कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिया आफ्टर वन मंथ ऑफ सेल ये कैश ट्रांजेक्शन होगी क्योंकि इसमें कैश रिसीव हो रहा है लेकिन किससे रिसीव हो रहा है डेटर से रिसीव हो रहा है ना yes, ठीक है बेटे

अकाउंट्स पेबल भी चूंके कहते हैं इसलिए मैंने यहां पर अकाउंट्स पेबल भी साथ लिखा हुआ है अच्छा जिनसे आपने उधार माल खरीदा पैसे नहीं दिए वो क्रेडिटर हो गए इसकी एग्जाम्पल मैंने क्या लिया गुड्स परचेज फ्रॉम मीर साहब तो क्या जी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीर इज आर क्रेडिटर उधार की ट्रांजेक्शन हुई है ना और कैश पे कर दिया हमने उसके बाद मीर साहब को ठीक है एक मंथ के बाद तो ये कैश ट्रांजेक्शन है लेकिन मीर इज रादर मीर वॉज आर क्रेडिटर हैज बीन पेड विथ कैश क्लियर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन कोई इश्यू प्लीज बताइएगा एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व करवाने जा रहा हूं मैं आई आई यू इंडिपेंडेंट सॉल्व इट योरसेल्फ सेल्फ एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन वाई सॉल्विंग इट टेक योर टाइम अ और टू एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन कंटेनिंग फाइव ट्रांजैक्शंस प्लीज ऑन योर ओन क्या करना खुद ही समझो क्या करना है इसको पढ़ें एटलीस्ट सब पढ़ें हमने देखना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और कौन सी ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है नंबर वन परचेज गुड्स फ्रॉम मलिक ऑन क्रेडिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ये मैंने क्रेडिट में टिक कर दिया और इसमें मलिक कौन है हमारा क्योंकि परचेज की थी परचेज सॉरी पेड कैश टू ख्वाजा ऑन अकाउंट अब आप पे क्यों कर रहे हैं आप अच्छा आप मुझे एक बात बताओ आप डेटर को पे करोगे या क्रेडिटर को पे करोगे शाबाश क्योंकि डेटर से तो लेना है ना पैसा गाह गए डेटर तो आप क्रेडिटर तो इसका हम तो ख्वाजा साहब हमारे क्या थे क्रेडिटर के कॉलम में लिखेंगे और ये कैश ट्रांजेक्शन है कैश का जिक्र आ गया ना कैश पे हो गया ना बेटे पहली दो ट्रांजेक्शन में कोई कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे को है तो प्लीज पूछ लें एक्सीलेंट माशाला सी रिसीव्ड कैश from भट्टी ऑन अकाउंट अब इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि भट्टी डेटर या क्रेडिटर लेकिन अब आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताना है कि भट्टी वॉज डेटर इन फैक्ट क्योंकि हम उससे कैश रिसीव कर रहे हैं कैश ट्रांजेक्शन है ठीक है कस्टमर से कैश लेंगे ना माशाल्लाह. पेड कैश टू बट को छड़िया नहीं मैं बट साहब नहीं मैं आ गया नाराज ना हो जाना? अच्छा पेड कैश टू बट ऑन ए आप जब बट को पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ही आर माशा बेटे मेरे जो नए लर्नर्स हैं समझ आ रही है ठीक समझ आ रही है बेटे बट को हमने पे किया हमारा क्रेडिटर था कैश ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू मिया अब आपने चीज़ें सेल की हैं मिया को मिया बिकेम योर ठीक है तो ये आपके डेटर के नीचे लिखा और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है गट द पॉइंट बस ये छोटी सी एक्सरसाइज थी इसमें लर्निंग आउटकम क्या है हमारी ये लर्निंग आउटकम मैंने साथ ही लिख दी है कि द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर ऑन क्रेडिट इज क्रेडिटर द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज अ डेटर द पर्सन टू होम मनी इज पेड ऑन अकाउंट इज क्रेडिटर एंड द पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ये लर्निंग आउटकम थी हमारी कंक्रीट ग्रेट माशाल्लाह अब एक और प्रॉब्लम जो सॉल्व की हुई है आइडेंटीफाई विच ऑफिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इसको एक नजर देख के मुझे अहेड दो ठीक है, yes, है कोई डेटर क्रेडिटर नहीं है क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन बुनियादी कैश ट्रांजेक्शन में कोई डेटर क्रेडिटर नहीं होता मैं ये नहीं कह रहा कि हर कैश ट्रांजेक्शन में कोई डेटर अगर ओन अकाउंट मेरे ये अल्फाज बहुत गौर से सुनने हैं बेटे अगर ओन अकाउंट कैश रिसीव कर रहे हैं तो डेटर से कैश रिसीव कर रहे हैं ओन अकाउंट का मतलब होता है उधार की एक ट्रांजेक्शन पहले पैदा हो चुकी थी उससे कैश रिसीव कर रहे हैं वो डेटर से रिसीव ओन अकाउंट किसी को पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर को पे कर रहे हैं लेकिन ओरिजिनली अगर एक कैश ट्रांजेक्शन वो लेने आया और सौ रुपया देकर चला गया उसमें कोई डेटर क्रेडिटर नहीं है कॉट इट दूसरा बट साहब एक क्रेडिटर थे आपने उनको पे किया पेड क्रेडिटर बट बाय चेक इधर क्रेडिटर को आपने कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटे बाय चेक पेमेंट हो रही है कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर मैंने आपको कहा कैश या चेक के जरिए से स्पेशली मुझे वो बच्चे यस या नो जरूर कहें प्लीज जो फर्स्ट टाइम ये चीजें पढ़ रहे हैं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही बेटे एक्सीलेंट माशा नंबर थ्री पेड कैश टू मीट ऑन अकाउंट ऑन अकाउंट का मतलब है कि वो क्रेडिटर था पहले हमारा ठीक है कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि पेमेंट हो रही है ना नंबर फोर सोल्ड मोटर कार फॉर कैश कैश ट्रांजैक्शन है कोई डेटर क्रेडिटर नहीं है इसके अंदर ठीक है माशाल्लाह बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मलिक ठीक है खरीदा क्रेडिट ट्रांजेक्शन मलिक हमारा पेबल क्रेडिटर बन गया रिसीव कैश फ्रॉम भट्टी ओन अकाउंट, हमने उसे लेने थे हमारा डेटर रिसीव किया कैश कैश ट्रांजेक्शन नंबर सेवन ऑनर इंट्रोड्यूसड फर्दर कैश दिजनेस अब ऑनर से कैश लिया है इसमें कोई डायरेक्टर क्रेडिटर नहीं है कैश ट्रांजेक्शन है ऑनर से पैसे ले रहे हैं मैंने आपको शुरू में बताया था ना ऑनर से भी डील होती है एन टी टी ऑनर से पैसे ले रही है इन दैट सेट नंबर एट लोन इज रिसीव इन कैश फ्रॉम शेख साहब बड़ी गल है शेख साहब ने कर्जा देता है लोन इज रिसीव इन कैश फ्रॉम शेख अब यहां पर देखो यहां मैंने स्टेरिक किया इसको साथ कैश ट्रांजेक्शन है लेकिन कोई डेटर क्रेडिटर नहीं है कोई डेटर क्रेडिटर क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था डेटर क्रेडिटर कौन से जब ट्रेडिंग के अगेंस्ट रिसिवेबल पेबल होता है नाइन पेड चौधरी बाय चेक चौधरी साहब को हमने पेमेंट की बाय चेक तो चौधरी जो है हमारे इसका मतलब है कि क्रेडिटर थे ओन अकाउंट ठीक है और पेमेंट जो की ये हमारी क्या सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू डार तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और डार हमने चीजें सेल की हैं डेटर बन गया हमारा ट्रेड स्टेबल बन गया एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज गुड एट्थ बेटे मैंने यहां पर उसको स्टेरिक करके एक्सप्लेन भी किया है वेन कैश इज रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम अ पर्सन दैट पर्सन डजेंट बिकम क्रेडिटर क्योंकि हमने एज लोन उससे पैसे लिए हैं अब ये बड़ी गलत आम बात है यह आपको मैं बता दूँ कि गलत आम समझते हो जो अमूमी तौर पर प्रोफेशनल्स भी गलती कर रहे होते हैं वो इनको भी क्रेडिटर कहते हैं हालांकि क्रेडिटर नहीं ये लैंडर हैं देर अ डिफरेंस बिटवीन क्रेडिटर एंड लैंडर लैंडर कौन होता है जो कर्जा देता है क्रेडिटर कौन होता है जो उधार पे माल देता है ये दोनों डिफरेंट लोग होते हैं ठीक है डर वन हू गिवस लोन और ये कौन है वन हुप्लाइज गुड्स गुड्स माल जिस जिस भी गुड्स में आप कपड़े में डील कर रहे हैं कपड़ा गुड्स हो जाएगा कंप्यूटर में, में डील कर रहे हैं कंप्यूटर गुड्स हो जाएगा मुर्गियों में डील कर रहे हैं मुर्गियाँ गुड्स हो जाएंगी ठीक है दूध में डील कर रहे हैं दूध गुड्स हो जाएगा तो गुड्स माल को कहते हैं बेटे लैंडर और ट्रैक्टर क्लियर हो गया मेरे बच्चों का एक्सीलेंट लो भाई अब मुझे तवज्जो चाहिए बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग इक्वेशन समझाने के लिए न्यू लर्नर्स थक तो नहीं गए ठीक है थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा है ये जो पहले से जिनमें पढ़ा हुआ है उन्हें मालूम हो रहा होगा कि ये चीजें एक दिन में नहीं उन्होंने पढ़ी थी और स्पीड ज्यादा होने की रीज़न यही है कि इनके बुनियादी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी हैं इनका एग्जामिनेशन एज इस तरह के क्वेश्चंस का आपको नहीं आना लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन बेटे इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा अगेन जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए चंद एक बड़ी नई बातें हो सकता है हो प्लीज बहुत तवज्जो के साथ ठीक है बहुत तवज्जो के साथ ये एक बुनियादी इक्वेशन है रीसोरस आर इक्ल टू सोरसेज ऑफ फाइनेंस जिसको हम री सोर्स आर इक्वल टू क्लेम्स भी कहते हैं अब ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ अगेन मैंने कहा आई एस या आई एफ़ आर एस से आपको मिलती हैं ख़ास तौर पर ये जो टर्मिनोलॉजी क्लेम की है ये आपको आई एफ आर एस बोलता है और इवन रीसोर्स भी आपको आई एफ आर एस बताता है कि ये क्लेम किसके लिए बोला जाता है ऑनर्स इक्विटी आई एम सॉरी ये इनके लिए बोला जाता है लफज क्लेम्स और ये होते हैं हमारे रिसोर्सेस अब जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ उन्होंने बचपन में यही पढ़ी हुई थी इक्वेशन कि एसर्स आर इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लाइ लेकिन टेक्निकली IFRS की लैंग्वेज में ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को क्लेम्स कहते हैं अब देखो ना ऑनर का क्लेम है बिजनेस रिसोर्सिस पे या नहीं yes, उसने माल दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, वो तो कहेगा जनाब कैसा कारोबार चल रहा है मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहे आप टाइम इन्वेस्ट करता है सारा उसका क्लेम है ना और लाइबिलिटी जो लेंडर है या जो क्रेडिटर है वो लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए बिजनेस को उसके पैसे देने हैं ना लाइबिलिटी एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है मीन्स कि आपने किसी के पैसे देने वो आपकी लाइबिलिटी बन रहा है ठीक है और एसेट रिसोर्स है जिसने आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने होते हैं उसको एसेट कहते हैं तो बेटे यहां पर आपने तीन नई टर्मिनोलॉजीज एसेट ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी लर्न की इनमें आपने देखा कि हम एसेट्स को रिसोर्स कहते हैं बिजनेस के लिए वो रिसोर्स है और ओनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को क्लेम कहते हैं और ये जो क्लेम्स हैं असल में सोर्स ऑफ फाइनेंस है उस एंटिटी को कहाँ से फाइनेंस मिलनी है कारोबार के मालिक से मिलनी है या लेंडर से कर्जा वगैरह लेना है ठीक है ना अगर उसने शॉप को बढ़ाना है वो चाह रहा है मिल्क शॉप वाला कि जी मैं इसमें अब जो है वो ग्लास पार्टिशनिंग करूँ मेरी जो है वो बड़ी अच्छी रेपो हो गई है और लोग मुझसे आकर जो है वो वो इलायची वाला दूध बादामों वाला दूध पीना चाहते हैं और मैं कुल्फ़ी भी जो बनाता हूँ बड़ी कमाल किस्म की जो खोए वाली कुल्फी बनाता हूँ लोग तो वो बड़ा मतलब डेकोरेटेड एक हॉल चाहते हैं जिसमें बैठे हैं पैसे उसके पास हैं नहीं वो क्या करेगा कर्जा लेगा ठीक है कर्जा लेकर वो अपनी बिल्डिंग अपने ऑफिस अपनी उसकी प्रेमिस को शॉप को थोड़ा सा रेनोवेट करेगा एयर कंडीशनर लगाएगा लाइट्स अच्छी करेगा फर्नीचर अच्छा लगाएगा ठीक है और उसका बिजनेस अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेहतर चलना शुरू होगा बोलो ना तो वो कर्जा वगैरह जो अच्छा ये रिसोर्स अब वो जो भी फाइनेंस आ रही है उससे एसेट्स बढ़ रहे हैं तो हमारी बुनियादी इक्वेशन ज़रा वापस आता हूँ जब कारोबार शुरू होता है तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है कारोबार में कोई रिसोर्स नहीं होता और कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं होती फिर क्या होता है कारोबार में रिसोर्स आ जाता है तो दूसरी तरफ फाइनेंस भी तो आती है कारोबार जब सपोजली एक लाख रुपया मलिक ने मिल्क शॉप शुरू करनी थी मलिक ने देखा कि मेरे पास पर्सनल सेविंग्स के एक लाख रुपए पड़े हुए वो एक लाख रुपए बिजनेस में ले आया तो बिजनेस का अकाउंटेंट क्या कहेगा कि कैश बिजनेस में एज ए रिसोर्स आया किसकी तरफ से मलिक के कैपिटल के तौर पर ठीक है तो उसके रिसोर्स सोर्सिस के बराबर हो गया अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा लेकिन आप फिलहाल इसको मैथमेटिकली लें इक्वेशन ये जो आपने बचपन में इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना अगर इस साइड पे प्लस है तो इस साइड पे प्लस होना चाहिए या अगर इस साइड पर प्लस है तो इसी साइड पर माइनस हो के अगली साइड पर जीरो होना चाहिए या इधर अगर जीरो है तो इधर प्लस भी हो और माइनस भी होता तब भी आप कहेंगे ना इक्वेशन टैली है तो ये वो चार डिफरेंट हालतें मैंने यहाँ पर बयान कर दी ठीक है बेटे आगे चलते हैं कहता फ्रॉम द अब इक्वेजन अच्छा अब अब आप लोगों को जो मैंने वीडियो देखने के लिए भी कही थी उसमें आपने पांच मेन हेड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं कौन कौन से पांच मेन हेड एसेट्स लाइबिलिटीज ऑनर्स एक्विटी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है बेटे इसमें अभी तक तो मैंने इन तीन की बात की है ना इस इक्वेशन में दो रह गई अब ये जो दो रह गई उनकी एक इक्वेशन बनेगी उसमें हम कहेंगे कि इनकम्स में से एक्सपेंसेस को लेस कर दें तो आएगा प्रॉफिट अब ये प्रॉफिट क्या है जो वो मिल्क शॉप कमा रही है किसके लिए कमा रही है ऑनर के लिए ठीक है शुरू में मैंने कहा था ना कि वो होती है डीलिंग क्या खुल गया यार शुरू में मैंने आपको मैं पीछे इसलिए लेके जा रहा हूं जरा ये ऑनर के लिए ठीक है ऑनर के लिए उसने प्रॉफिट कमाया और अदर्स के लिए भी ट्रांजैक्शन ऑनर के साथ भी ट्रांजैक्शन होती है अदर्स के साथ भी ट्रांजैक्शन होती हैं ठीक बात तो यहाँ पर जो ये प्रॉफिट है में से एक्सपेंस लेस करके वो किसका हिस्सा बनता है ऑनर्स का ये यह मैंने यहाँ बयान कर दिया ये मैंने फाइव मेन हेड्स की डिटेल बता दी ये जो प्रॉफिट है अल्टीमेटली ओनर को मिल जाता है हाईलाइटेड एरियाज समझ लीजिए आपको क्लियर है बेटे पीछे बैठे हुए बच्चों को नजर आ रहा है यहां तक के नहीं yes. ठीक नजर आ रहा है क्लियर ओके गुड अच्छा yes. अब एक नई टर्मिनोलॉजी आपको एक तो कैपिटल जो कारोबार का मालिक कारोबार को देता है पैसे और ड्रॉइंग्स जो कारोबार ऑनर को प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करता है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कह सकते हैं बेटे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं टू द ऑनर इसको एक और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड ठीक है बेटे क्या कहते हैं डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को ड्रॉइंग्स भी कहते हैं डिविडेंट भी कहते हैं ठीक बात क्लियर वेरी गुड नाउ इन द फॉलोइंग सेक्शन वी शल लर्न थ्रू अ डिटेल्ड वर्क एग्जाम्पल दैट हाउ ट्रांजेक्शन अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेजन यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग ठीक है बिकॉज ऑफ इट्स मैथमेटिकल विजर्ट दैट बोथ साइड ऑफ इक्वेजन विल रिमेन इक्वल आफ्टर वी वुड बी एनालाइजिंग और गिविंग इफेक्ट टू ईच ट्रांजेक्शन वर्क एग्जाम्पल यहां से शुरू हो रही है लो जी मरग साहब से आस ही हम दूध दही बिकवा रहे थे मरक साहब तो बड़े साइंसदान निकले हैं हमने एक कंप्यूटर की दुकान उनसे शुरू करवाई है माइक्रोलॉजिक्स के नाम से ठीक है जी माइक्रोलॉजिक्स और मलिक साहब के पास कोई लाख रुपया नहीं था पैंतालीस हजार रुपये थे सिर्फ उनके पास उन्होंने क्या किया एक दुकान ली और उसके अंदर शेल्वस लगा दी कंप्यूटर एक और वहाँ पर उन्होंने जो है अपना काम शुरू कर दिया माइक्रोलॉजिक्स बड़ा कमाल नाम उसने रखा माइक्रोलॉजिक्स हैं इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन जो पैंतालीस हजार उसने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर यहां तक ये यह ट्रांजेक्शन है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं इसका इफेक्ट क्या है कि कारोबार में कैश जो आया मलिक के कैपिटल की वजह से जी मेरे बच्चों ये इसकी जो है इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है कि एसर्ट्स आर इक्वल टू ऑनर्ज इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज एसेट्स की मैंने कुछ डिटेल्स नीचे बयान कर दी कि जी ये इस तरह के डिफरेंट एसेट्स हैं जो मलिक की इस ट्रांजेक्शन्स uh, में मौजूद हो सकते हैं ये उसकी ऑनर्स इक्विटी लोन और ला क्रेडिटर्स लैंडर्स और क्रेडिटर्स का मैंने थोड़ा सा बता दिया एक मैंने एक स्केच दे दिया कि ये मैक्मम ट्रांजेक्शन हैं जो कि आपको इसमें नज़र आ सकती हैं ओ oh ओ -oh. है हो रहा है आप ही ठीक हो रहा है ठीक है <coughs> बस शायद ये अब ठीक हो जाएगा <laughs> ठीक है अच्छा ओके नोट दैट सिंस मलिक इज द सोल ओनर माइक्रो माइक्रोलॉजिक्स इज ए सोल प्रोप्राइटरशिप एक प्रोप्राइटरशिप है एक सोल ओनर है ये अपने बिजनेस लॉ से रिलेटेड इस तरह की बातें आप पढ़ेंगे नोट ऑल्सो दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन अबव रिलेट्स ओनली टू द बिजनेस विच इज माइक्रोलॉजिक्स अंडर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वो जो मैं आपको पीछे सबसे पहले बता चुका हूँ वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है कि आप बिजनेस की ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं आप मलिक की ट्रांजेक्शंस नहीं कर रहे बल्कि माइक्रोलॉजिक्स की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं मलिक इज ए ऑनर माइक्रोलॉजिक्स

हो सकता है मलिक के पास गाड़ी पैंतालीस लाख रुपए की हो लेकिन पैंतालीस हजार रुपये का कैश जो है वो बिजनेस को दे रहा है उस गाड़ी का मल माइक्रोलॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है वो उसके पर्सनल एसेट्स हैं या पर्सनल उसकी बिलोंगिंग्स हैं ओके जी सेकंड ट्रांजेक्शन अब अगेन ये हो चुका पहली ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है उसके पास अब फर्नीचर रिक्वायर्ड है पैंतालीस हजार रुपये में से वो क्या कर रहा है वो बीस हजार रुपया कैश निकाल रहा है और फर्नीचर ले रहा है तो आप देख रहे हैं कि एक साइड पर माइनस हो रहा है और उसी साइड पर प्लस हो रहा है इक्वेजन टैली है इस साइड पर पैंतालीस है और इस साइड पर भी पैंतालीस है इक्वेजन टैली अच्छा भाई यहां तक सिर्फ दो ट्रांजेक्शन तक रुक के मुझे बताओ कौन कौन इस वक्त परेशान है कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है सिर्फ इन दो ट्रांजेक्शन को देख आगे मैं तीसरी चौथी पांचवी बाद में करूँगा बात जी बेटे नहीं समझ आ रही ना ओके नो वरीज और कौन बच्चा? मैं इस वक्त आपको मेरा था कुछ थोड़ा सा लग रहा था और आपको बेटे समझ आ रही है ठीक समझ आ रही है ठीक समझ आ रही है, आ रही है? देखो बेटे आपका नाम मोहम्मद तल्हा हाँ मोहम्मद तल देख तलाक पुत्र काका बात यह है कि अब हम एक अकाउंटिंग इक्वेजन बनाने मैथमेटिक्स में इक्वेजन पढ़ी हुई है ना बोथ साइड्स बराबर अकाउंटिंग इक्वेजन बनाने जा रहे हैं उस अकाउंटिंग इक्वेशन की बुनियादी जो बात है कि हमारे एसेट्स बराबर होंगे ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी के ये है बुनियादी अकाउंटिंग इक्वेजन अब हमने ये देखना है कि हर ट्रांजेक्शन इससे पहले मैंने आपको बताया था ना ट्रांजेक्शन्स होंगी बिजनेस के अंदर Osionfish. तो हर ट्रांजेक्शन जैसे ये ट्रांजेक्शन हुई है क्या हुई है कि मलिक ने कारोबार शुरू किया माइक्रोलॉजिक्स के नाम से और मलिक ने अपने घर से पैंतालीस हजार रुपया माइक्रोलॉजिक्स को दिया अब माइक्रोलॉजिक्स का अकाउंटेंट होने के नाते आपने देखा माइक्रोलॉजिक्स की अकाउंटिंग इक्वेजन के अंदर पैंतालीस हजार रुपया कैश आया मलिक के कैपिटल की वजह से अब माइक्रोलॉजिक के अकाउंटेंट ने क्या कहना है कि माइक्रोलॉजिक के ऊपर एक क्लेम है मलिक ऑनर का जिसके अगेंस्ट कैश पैंतालीस हज़ार हमारे पास मौजूद है तो इक्वेशन की दोनों साइड्स हमारी बराबर बनती हैं पैंतालीस हज़ार बराबर पैंतालीस हज़ार के यहाँ तक सीखे? आपने बस एक काम बेटे तलहा जेन में रखना है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स आने हैं वो दो प्लस भी हो सकते हैं दोनों साइड्स पर और एक ही साइड पर एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है सो दैट इक्वेजन रिमेन्स इक्वल ठीक है बेटे किसी और बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ ले पूछेंगे दो मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगी नहीं पूछेंगे तो दो साल भी क्लियर नहीं होगी ठीक है पूछ लिया करें नंबर टू अब पहली एक पहली ट्रांजैक्शन तो अकाउंट फॉर हो चुकी है अपनी जगह अब आप मुझे बताएं आप अकाउंटेंट बन जाए माइक्रोलॉजिक्स के माइक्रोलॉजिक्स को फर्नीचर चाहिए फर्नीचर है बीस हजार रुपये का एक टेबल एक चेयर चाहिए बीस हज़ार रुपये का फर्नीचर है तो माइक्रोलॉजिक्स के पास क्या बीस हजार रुपए है कि वो फर्नीचर खरीद सके कितने पैसे हैं माइक्रोलॉजिक्स के पास चालीस हजार पैंतालीस हजार पैंतालीस हजार में से अगर वो बीस हजार का फर्नीचर खरीद लेगा तो बाकी कितना पैस, कैश रह जाएगा पच्चीस हजार रह जाएगा और ये बीस हजार जो उसने माइनस किया है इसकी जगह एसेट एक आ गया बीस हजार का फर्नीचर यहां पर छोटी सी डेफिनेशन एसेट की देता चलो एसेट उसको कहते हैं जिसने आपको आने वाले एक साल से ज्यादा अरसा तक बेनिफिट प्रोवाइड करना हो आज जिस दिन आप उसको एसेट कह रहे हैं आज का दिन है ना आज ये डेट है ऑफ़ अक्टूबर को अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास मोटरसाइकिल है तो क्या ये मोटरसाइकिल मुझे अगले एक साल या उससे ज्यादा देर तक बेनिफिट देगी तो मोटरसाइकिल मेरे लिए एसेट है आज के दिन से ऑनवर्ड्स अगर वो बेनिफिट मुझे दे रही है तो वो एसेट है आज के दिन का तो एसेट है और अगर आज के दिन से पहले पहले मैं उससे बेनिफिट ले चुका हूं तो वो एक्सपेंस है मोटरसाइकिल में पेट्रोल मैंने चलवाया था कंज्यूम हो गया या अब मोटरसाइकिल से पेट्रोल जो है वो फायदा भी देगा तो अगले चंद दिनों में फायदा दे के खत्म हो जाएगा या बिजली का बिल मैं दे रहा हूं मैं उसके लिए फायदा उठा चुकने के बाद बिल पे कर रहा हूं या मैं टेलीफोन का बिल पे कर रहा हूँ फायदा उठाने के बाद बिल पे कर रहा हूँ तो वो एक्सपेंस है तो आज के दिन फायदा उठाने के बाद जो चीज़ें पे कर रहा हूँ वो एक्सपेंस है और आज का दिन जो मैं ऐसा खर्चा कर रहा हूँ जिसने मुझे ऑनवर्ड्स फ़ायदा देना वो एसेट है सिर्फ ये सादा सी डेफिनेशन है मैं रिपीट कर देता हूँ अगर आपको इसमें कुछ चीज समझ नहीं आई आज आप कहेंगे रिपोर्टिंग डेट को ये कहीं लिख लो बेटे लफज लिखो रिपोर्टिंग डेट लिखो एवरी वन प्लीज ये बातें ऐसी हैं जिसको आप प्लीज लाइट ना लें ये फिर यही आपकी जब गलतियां होनी है तो उस वक्त फिर मुझे गुस्सा आना है रिपोर्टिंग डेट किसको कह रहे हैं आज के दिन को जिस दिन आप रिपोर्ट कर रहे हैं आज रिपोर्टिंग डेट है आज आपने रिपोर्ट करना है कि ये एसेट है कि एक्सपेंस है अगर उसका बेनिफिट फ्यूचर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी है तो वह एसेट है और अगर उसका बेनिफिट आप कंज्यूम कर चुके हैं तो वो एक्सपेंस है इसको मैं एक और तरीके से बोलता हूं जो एक्सपेंडिचर एक्सपायर हो गया इसके बेनिफिट्स एक्सपायर हो गए हैं वो एक्सपेंस है और जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करने के बाद एक्सपायर होगा वो एसेट है बड़ी सादा डेफिनेशन है इसकी मैं एग्जाम्पल्स बेशुमार देना चाहूंगा आपको ये लैपटॉप मुझे बताओ मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा yes, तो क्या हुआ यह yes, पूरा महीना लैपटॉप इस्तेमाल करने के अगेंस्ट जो बिजली का बिल मुझे आया वो बिजली का बिल मैं एंजॉय कर चुका हूं उसके बेनिफिट yes. उसके वो बिजली का बिल अदा करने के बाद मैं बापडा को यह तो नहीं कहूंगा ना मैंने दो साल बिल ना भेजना क्योंकि वो मैं उसने जो बिल भेजा मैं इंजॉय कर चुका हूं बिजली को तब बिल भेजा तो एक्सपेंस मेरी ये स्टेशनरी पेन कॉपी ठीक है आपको बेनिफिट दे चुकी है एक्सपेंस है आप खरीद चुके हैं एक्सपेंस है और जिसने फ्यूचर में फ्यूचर हम कहते हैं अगले एक साल और एक साल से ज़्यादा अरसे को जो अगले एक साल से कम कम का अर्सा होता है वो एक साल के अंदर अंदर रिपोर्टिंग पीरियड में बेनिफिट दे रहा होता है तो आपकी ये नोटबुक जो है क्या आपको 20 साल तक बेनिफिट देगी नहीं हाँ इस नोटबुक पे लिखे हुए नोट्स हो सकते हैं आपको बेनिफिट दें दैट विल बिकम योर एसेट नोट्स आपके एसेट बन सकते हैं क्या लोग जो बुक आप खरीदती हो वो आपके लिए एसेट है लेकिन जो नोटबुक है वो आपका एक्सपेंस है ठीक है बेटे आपने कंप्यूटर बाय किया आपने कार बाय की आपने मशीनरी बाय की ठीक है ये प्रोजेक्टर जो है दो चार साल पांच साल बेनिफिट देगा ये हमारे लिए एसेट है अच्छा अब यहां से मैंने आपको कहा था कि मैं पांच मिनट लगाऊंगा डिप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये तो आपको खैर मैं अब होमवर्क दे रहा हूं नीचे जो आपकी इक्वेशंस सारी चल रही है नाइन इक्वेज नाइन ट्रांजेक्शन हैं ये आपका होमवर्क होगा लेकिन अभी मैं डेप्रीसिएशन की बात करने जा रहा हूं आप लोगों से यहीं पर बोल देता हूं डेप्रीसिएशन रिलैक्स हैं सब बेटे डेप्रीसिएशन एक लिटरल मीनिंग भी रखता है और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में भी इसकी कुछ मीनिंग है लिटरली लिटरल literal कहते हैं ना डिक्शनरी में जो मीनिंग इंग्लिश वर्ड के जो मीनिंग है लिटरली आप इसको कहते हैं कुछ कमी का हो जाना बेटे पानी पीना आपने रिलैक्स हो लिटरली आप इसमें जब कुछ कमी आती है उसको आप कहते हैं डिप्रिसिएट हो गया ठीक है लेकिन मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में क्योंकि यू आर द अकाउंटेंट्स नाउ, यू मस्ट नो के जी व्हाट इज़ इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टर्मिनोलॉजी ऑफ डिप्रीसिएशन? वेल ये प्रोजेक्टर आप इसकी एक यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करेंगे मेरे हर लफ्ज़ को वजन दीजिएगा प्लीज आप इसकी यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करेंगे एंड समझ लेता हूँ मैं कि यू आर मैकेनिकल इंजीनियर नोइंग ऑल द टेक्निकलिटीज इन दिस इलेक्ट्रॉनिक की इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल जो जो चीज़ें इसके अंदर है यू नो ऑल द टेक्निकलिटीज एंड यू कैन गैस कि वट शुड बी इट्स यूजफुल लाइफ फॉर दिस रूम और फॉर दिस एंटिटी आप कहते हैं कि जी इसने डेली आठ घंटे चलना है लिहाजा इसका ल्यूमिनस और इसकी सारी वो जो चार्जिंग सिस्टम और इसका वो चिप्स विप्स जो हैं इसकी जो लाइफ है वो थ्री इयर्स है ये मुझे तीन साल बेनिफिट्स पहुंचाने की सलाहियत रखता है ये मेरा एस्टिमेट है आई एम एन अकाउंटेंट मैंने एक्सपर्ट से पूछा एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि मिस्टर अकाउंटेंट द प्रोजेक्टर दैट यू आर यूजिंग इन दिस रूम विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द अपकमिंग थ्री इयर्स। मैंने कहा अच्छा अगर ये मैंने नाइन्टी थाउजेंड का खरीदा है तो इसका मतलब है हर साल ये मुझे थर्टी थाउजेंड के इक्वल बेनिफिट्स देगा तो हर साल कितना एक्सपायर हो रहा है ये इक्वल टू तो थर्टी एक्सपायर हो रहा है तो लिहाजा जितना ये एक्सपायर हो रहा है वो है इसके. तो इधर डिप्रिसिएशन का ये मतलब नहीं है कि तीस हजार के जितना टूट के नीचे गिर गया पूर गया ठीक <laughs> है इसका ये मतलब नहीं है बल्कि इसका मतलब ये है कि द स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्रोजेक्टर वॉज टू प्रोवाइड मी इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द थ्री ईयर आउट ऑफ विच वन ईयर आई हैव ऑबटेन इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड टू दिस वेरी एसेट द रिमेनिंग टू ईयर वैल्यू मेरी अब एसेट कहलाएगी एक साल की वैल्यू डेप्रीसीट हो जाएगी एक्सपेंस कह दूंगा अभी मैंने आपको कहा कि जो एक्सपायर हो जाए वो एक्सपेंस होता है तो वर्ड डिप्रीसीएशन किस तरफ लेके जा रहा है हमें द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट मैंने पहले कहा था मेरे अल्फाज को गौर से सुनिएगा द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट दैट हैज एक्सपायर्ड Will be allocated to the reporting period as depreciation expense. So, depreciation kya hui? Now, I will definition. Ja it is a systematic allocation of the cost of. एसठ ओवर एट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बस मैंने इतना ही फिलहाल बताना है फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल Is equal to rupees seventy thousand. Estimated Useful life is equal to, let me say, five years depreciation expense. For one year is equal to seventy thousand divided by five years is equal to fourteen thousand. This is your depreciation. चार्ज फॉर वन ईयर अभी इसको प्लीज इसकी सादगी में जिन बच्चों ने पहले डेप्रिसिएशन पढ़ी हुई है वो कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे आपकी बड़ी मेहरबानी क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको ठीक है एग्रीड बेटे तो ये अब क्योंकि ये लफज डेप्रिसिएशन के मतलब यूज होना है तो डेप्रिसिएशन जहां पर भी यूज होगा आप कहेंगे ओके डेप्रिसिएशन मीन्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट दैट ज़ बीन एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड अच्छा जी एक और छोटी सी डायग्राम समझ लीजिए बेटे हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ सपोजली फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी को ओके फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी को एंड हो रहा है थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को ये जो पीरियड है कितने महीने इस पीरियड में इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग पीरियड इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग पीरियड ओके और ये जो डेट है इस डेट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग डेट ये जरा टर्मिनोलॉजीज मेरे बेटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए तो रिपोर्टिंग पीरियड और रिपोर्टिंग डेट याद रखना जो ये रिपोर्टिंग डेट है इसको मैं बोलता हूँ ये आज है कि आज हमने देखना है अगर आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो आज के हिसाब से वो एक्सपेंस है या एसेट है लाइबिलिटी है या एकटी है या इनकम है आज हमने फैसला करना है उसके बारे में ठीक है और स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड में इस आज के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ठीक है आप पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन में वो लाइबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर लफज बोलेगा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ये स्टैंडर्ड के टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज बोल रहा हूँ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और एसेट की डेफिनेशन में वो कहेगा लफज बोलेगा प्रेजेंट रिसोर्सेज कि आज मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटर जान थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क कुछ ना कुछ नया मिला है जो पहले से बच्चे जो पढ़े लिखे माशाल्लाह कुछ ना कुछ नया मिला कोई एक लफ्ज़ नया मिला चलो अल्हद